Hey guys, this is Vishwajit Singh. Welcome to my YouTube channel, guys. Before English. So guys, हम फिर आ गए आज डेली द हिंदू कैप शो लेकर, जो कि हमारा होता फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम. आज है 23 जुलाई 2020. गाइज, हमारा वर्ड है पहला एगली. एगली एक एडजेक्टिव है, इसकी हिंदी मीनिंग है चुस्त. चुस्त मतलब कैसे, आप एक बार फ्लेक्सिबल हैं, मतलब आपका पैर हाथ किसी भी साइड राउंड हो रहा है, किसी भी साइड मूव हो रहा है. गाइज, उस भाव में सिचुएशन में यूज़ होता है एगली. सानून अभी ही आपको इमेज दिखाया जाएगा, तो गाइज समझ में आ जाएगा आपको. तो सानोनिम्स है गाइज निम्बली और स्पेरे. एंटोनिम्स है इसका क्लूमसी और स्टिफ. एग्जांपल है यू नो ही हैड जस्ट एन एगली वंडरफुल माइंड. गाइज, अगर किसी को एग्जांपल की हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं. वैसे मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, अगर मैं हिंदी आपको बताऊंगा तो आप हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन गाइज बनाए लगे, इसलिए मैं आपको हिंदी नहीं बताता हूँ. आप ऐसे ही आप रोज़ाना देखिए, आपकी देखिए इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी, मेरा वादा है आपसे. गाइज, मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ता हूँ. हाँ गाइज, इमेज है मेरी फ्लेक्सिबल. एक लड़की है जो किसी भी साइड राउंड हो जाए, किसी भी साइड उसका पैर लेग हैंड वर्क किसी भी साइड मूव हो जा रहा क्विकली. गाइज, इस भाव में ये यूज़ होता है. तो गाइज, नेक्स्ट वर्ड है इसका सोवी. सोवी एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है निकास. या निकास मतलब धक्का, किसी को धक्का लगाना. सानोनिम्स है इसका ड्राइव और जस्टेल. एंटोनिम्स है इसका कंजिंग, कंसाइन और बिलो. एग्जाम्पल है ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग दे वुड पुश एंड शॉव मी. ये देखिए आप गाइज, इमेज है एक बड़े से पत्थर की, जिसको ये बंदा धक्का लगा के क्या कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है. गाइज, उसी भाव में उसी सिचुएशन में ये सोवी यूज़ होता है गाइज. और इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप दोबारा भी आकर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गाइज कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल्सियस. सेल्सियस एक एडजेक्टिव है, इसकी हिंदी मीनिंग है डर्टी या गंदा. या आप एक स्पेलिंग और इसकी हो सकती है, कौन सी, इनडिसेंट. क्या है इनडिसेंट. सानोनिम्स है इसका लुइड और प्रूडेंट. एंटोनिम्स है इसका चेस्ट और डिसेंट. एग्जांपल है आई डोंट मीन दैट इन अ सेल्सियस वे टू ऑल. ये आपका इमेज है. अगर वैसे भी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो आप अपने हाथ रूम सब साफ रखिए, जिससे आपको कोरोना वायरस ना हो. भगवान करे आपको इन सब से आप दूर रहें गाइस, तो घर से बाहर ना निकलें, जिससे आप सेफ रहेंगे. गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पुल बैक. पुल बैक एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है रोकना या मतलब स्टॉप करना किसी चीज़ को. सैनोनिम्स है इसका ड्रॉबैक और रेटेड. एंटोनिम्स है इसका क्योडिल और इम्प्रूव. एग्जाम्पल है वी कांट अफेयर टू पुल बैक फ्रॉम द वर्ल्ड. गाइज है ये एक इमेज है. इमेज में देखिए किसी को, कोई बंदा सिगरेट दे रहा, तो वो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको मना कर रहा है, मैं नहीं पी सकता. गाइज, वही चीज़ है, ये भी गंदी चीज़ है, हमें भी पीना नहीं चाहिए, इस सबको रोकना भी चाहिए हमें सबको, कि इन सब से दूर रहें. गाइज, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैडी. टैडी एक एडजेक्टिव है, इसकी हिंदी मीनिंग है क्या, आलसी. आलसी आलसी लाइफ में नहीं लाना चाहिए. जिस अगर कोई बंदा आलसी हो जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ता गाइस, तो आलसी मत बनिए, ठीक है. सैनोनिम्स है इसका ओवरड्यू और बिहाइंड हैंड. एंटोनिम्स है इसका पंचुअल और अर्ली. एग्जांपल है टू स्विफ्ट अराइव एज अ रेडी एज टू स्लो. इमेज है एक सोते हुए बंदे जो उठ रहा हो, 8 बज गया 10 बज गया, कितना आलसी, मतलब सुबह नहीं उठता है, इतना आलसी है कि 10 बजे 12 बजे ऐसे वो उठता है, तो उसी को कहते हैं आलसी. हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंगली. स्प्रिंगली एक एडवर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है किफ़ायती. किफ़ायती मतलब कोई भी चीज़ महंगी हो गाइस, समझ सकते हैं महंगी. साइनोनिम्स है इसका मीजियरली और
फ्रूगली एंटोनिम्स है इसका एम्पली और रिचली। एग्जाम्पल है दिस शुड बी यूज स्पेयरली एंड ओनली इफ नेसेसरी। गाइस इमेज है एक सिक्के की, क्वाइन की, जिसकी कीमत जो है, ये ऐसे पुराने सिक्के हैं, एंशियंट सिक्के हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी किफ़ायती होते हैं। गाइस नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग है समाप्त करना, कोई चीज़ को रोकना। ठीक, सानोनिम्स है इसका हार्ट और कंक्लूड। एंटोनिम्स है इसका बीइंग और स्टार्ट। एंटोनिम्स है इसका ही वॉज एडवाइज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। गाइज एक इमेज है, जैसे कोई ऑफिस में काम करा, उसकी क्या हो जाए, नौकरी ख़त्म हो जाए, वो अपना सब कुछ समाप्त, उसकी नौकरी समाप्त हो जाए, वो अपना सब कुछ लेकर बाहर जा रहा है, वो क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है गाइस। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टीप। स्टीप एक एडजेक्टिव है, इसकी हिंदी है तीव्र ढलान वाला, मतलब कोई भी चीज़ आप कहीं से नीचे गिर रहे हैं तो मतलब बहुत ही तेज़ी से गिर रहे हैं, उसी को कहते हैं गाइस तीव्र ढलान वाला, मतलब तीव्र ढलान। सिनोनिम्स है इसका शॉक और एमर्स। एंटोनिम्स है इसका ग्रेजुअल और मॉडरेट। एग्जाम्पल है दोज हु एब्स्ट्रैक्ट एंड रीसेट विल पे अ स्टेप प्राइस। गाइज एक इमेज है, ये इमेज है एक स्नो ड्राइविंग करते हुए बंदे की, जो कि काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गाइज मूव कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इक्यूप। इक्यूप एक वर्ब है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, लैस करना। लैस करना हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो लैस करने का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए किसी चीज़ को क्या करना, तैयार करना, या आप ये भी मान सकते हैं किसी के विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस चीज़ को, जैसे आप कोई भी चीज़ है आप उस चीज़ को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे किसी को कमी है कैमरे की, किसी को कमी है माइक की जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उस चीज़ को प्रोवाइड कर देना, वही गाइस है इक्यू मतलब लैस करना। सिनोनिम्स है इसका सप्लाई और आउटफिट। एंटोनिम्स है इसका डिप्राइव और डिसरोबे। एग्जाम्पल है वी इक्विप एवरी अवेलेबल डिप्यूट विद अ यूवी लाइट, मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें। नेक्स्ट वर्ड है इमेज है एक स्टूडियो का, या एक इमेज है शूज का, किसी को ज़रूरत है तो आप उसको दे रहे हैं, या और क्या कहते हैं, ये स्टूडियो किसी को ज़रूरत है फ़ोटो खींचने के लिए, तो आप उस चीज़ को प्रोवाइड करके, तैयार करके आप गाइस दे रहे हैं। वर्ड है हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट है, ये है एब्रोगेंस। एब्रोगेन मतलब है नाउन, इसकी हिंदी मीनिंग है निराकरण। निराकरण की मतलब है कि अलग करना, दूर करना किसी चीज़ से किसी को, वही गाइस है ये। सिनोनिम्स है इसका रिवर्सल और वोडिंग। एंटोनिम्स है इसका मैंडेट और केवेट। एग्जाम्पल है डज नॉट द एब्रोगेंस अमाउंट ऑफ सबरट सब वॉटिंग द जस्टिस सिस्टम। गाइस इमेज देख लेते हैं। इमेज है एक क्या कहते हैं, तोते की और बिल्ली की, जिससे तोतों को बिल्ली से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, दूर कर दिया, जिससे वो एक बिल्ली इनको खा ना सके। गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे बिफोर इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो आप बेल आइकन नहीं दबाएं तो उसको दबा दीजिए गाइस, बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। सब्सक्राइब करना कोई मतलब नहीं जब तक आप उस चीज़ को देखें ना गाइस। अगर आपका कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं, कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में गाइस लिखिए, और आई बटन पे डेली द हिंदू वकैब गाइस चलता है हमारा, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं गाइस।